Here we go. Hey guys, good morning, Sashikal ji. आधा बजे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस. तो वेलकम बैक, स्वागत नहीं करोगे हमारा आज, स्वागत कीजिए गाइस. घर वालों ने तो मेरा रात में स्वागत कर लिया था, तो आप भी मेरा स्वागत कीजिए व्लॉग में कमेंट करके गाइस. तो फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ जैसे कि आप देख रहे हो, और कल का एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक था. बाबा जी का शुक्र है कि मैं सही सलामत घर पहुंच गई गाइस. 12 बजे पहुंची हूँ मैं घर, है ना, बट शुक्र है पहुंच गई एटलीस्ट सही सलामत. तो गाइस आज है 19 जनवरी और ये रहा मेरा रूम, जिसको कि मैं तो मिस कर ही रही थी. मेरे साथ साथ आप भी मिस कर रहे होंगे गाइस, है ना. थोड़ा मैसी लगेगा आपको, बट कोई बात नहीं, जब घर की लक्ष्मी घर से बाहर रहेगी तो घर में थोड़ी बहुत उथल पुथल मचना लाजमी है गाइस, ठीक है. तो ये रही आपकी मैं बैक टू होम, एंड बाकी के लोग भी घर पे ही हैं. आज समर छुट्टी मारी है उसने स्कूल से, क्योंकि रात को हम लोग गप्पे वप्पे मारते रहे तो सोते सोते 1:30 बज गया गाइस, है ना. और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, और समर से मिलवाती हूँ, दुग्गल जी से मिलवाती हूँ. फिलहाल अभी कौन है, कहाँ है, ये रहे मासी जी. फिलहाल आप मासी से मिलिए. हेलो मासी, सत श्री अकाल करो सबको. सत श्री अकाल जी. तो मासी जी यहाँ पे हैं, बाकी नोनी एंड नोनी के पापा गए हैं गाड़ी स्टार्ट करने ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा काम है गाइस हमको ना आज कोर्ट का, तो कोर्ट जाना है. मैं स्कूटी से जा रही हूँ, ये गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है. और बाहर का एटमोसफियर कैसा है, लेट मी शो यू. ये देखिए धुंधी धुंध है भाई, कहाँ वहाँ गर्मी में मजे हो रहे थे, और कहाँ ये देखो भाई लोगों, सन बेचारा मर मर के निकल रहा है सन. और ये उल्लू की पट्टी की तबीयत खराब हो रही है गाइस, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा. घर वालों ने मुझे बताया नहीं कि 3-4 दिन से दिल्ली चली हुई है, ये लोग अपने हिसाब से दवाई दे रहे हैं इसको, बट इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है. तो अभी 1-2 दिन थोड़े से मेरे जो काम में वो निपटाऊंगी. आज तो नहीं लेके जा सकती इसको हॉस्पिटल, तो कल कोशिश करूंगी कि कल इसको हॉस्पिटल लेके जा सकूं गाइस. और ये धुंध सुबह बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जो कि अब ऐसा ऐसा छटनी शुरू हो गई है. बाल मेरे गिले हैं, मैंने सोचा था चलो अपने नहान जाएंगे, धूप सेकेंगे, चलो सर्दी ही सही, अब आना तो है ही है घर. वो क्या बोलते हैं, जो सुख छज्जू के चुबारे वो बल्ख न बुखारे, सही बोलते ना. तो ये बुजुर्गों ने गाइस सही कहावतें बनाई हैं, गलत नहीं है, ठीक है. तो ये सारा मैटर है, और ये मैटर तो सॉल्व होता रहेगा. तो फिलहाल ये जैकेट वैकेट मैंने पहन के रखी हुई है, ठंड लग रही है खतरनाक वाली, बट क्या करिए. कैसे बोल लेती हूँ ना मैं, इतना सारा नॉन स्टॉप है ना. मैं तो छोनू मोनू चाहूँ, मैं तो अच्छे बोल लेता हूँ गाइस. दुग्गल जी उन्होंने से मिलवाती हूँ, अभी बने रहे व्लॉग में, आज जाती हूँ. चलो तो गाइस स्टैंड एंड आई नियर है दुग्गल जी. हेलो, सुबह से लेकर रात होगी, हमको कोर्ट में काम था गाइस, तो वहां पे लग गया पूरा दिन. अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, है ना. और ये हमारे मुरझाए हुए चेहरे, क्योंकि हम सुबह से लेकर बहुत भागा दौड़ी में थे गाइस. फाइनली मुरझाए हुए चेहरे तो नहीं, ताजे हैं हमारे चेहरे, है. मेरे को नींद आ रही है, 7 बजे उठाया हुआ इन्होंने गाइस, मेरे को बहुत गलत बात है ये, रात के 2 बजे सो रखी हूँ मैं. और ये पीछे भाई साहब, इसका तो एक ही अड्डा है, ये जिंदगी में कभी उस रूम से निकलेगा नहीं, और इस फोन से निकलेगा नहीं. ये रूम रखा है मैंने, क्या जी ग्लव्स, लाइट जला दो, ये वाले मिले थे. आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा. हाँ ये मेरे हैं वैसे, इसको पढ़ाया था मैंने, नहीं पहन लिया घर. और इसके हाथ दिखाऊ मैं आपको, हाथ हाथ दिखा चल, इसकी उंगलियां इतनी मोटी हो रखी है ना, सूज के उंगलियां दिखा, मेरी एक उंगली, एक वही दो उंगलियां सूजी भी अपनी तरफ से बोल रही है. तो वैसे आपने देख लिया ना अभी क्या हुआ, धपड़ 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 करके फोन गिर गया. फोन तो बच गया, बट फोन का कवर चला गया यार, साइड से क्रैक आ गया एक छोटा सा. और अभी मैं बिस्किट लेकर आ रही थी एक शॉप से घर आते आते, है ना, एक शॉप से, तो उस आंटी ने बता क्या बोला था, अरे मैं उसको जीपे कर रही थी, अरे वाह कवर तो बड़ा सुंदर है आपका, इसी डायमंड डायमंड वाला. तो मेरे को तभी लग गया था माइंड में कि अच्छा नजर ना लगा दे आंटी. वैसे तो मैं मानती नहीं उस चीज को, बट आज एक मेरे सामने लाइव प्रूफ मुझे मिल गया है कि भैया नजर लगती है. थोड़ा थोड़ा मुझे डाउट था कि नजर वजर कुछ लगती नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगती है बहुत लोगों की नजर, इसलिए मैंने पैर में काला धागा पहना हुआ है. फोन को भी धागा पहनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है. तो ये चीजें हुई है गाइस. फोन बच गया मेरा, फोन मुझे नया लेना पड़ेगा कवर फोन का यार. चलो मैं सोऊंगी एक घंटा, है ना, फिर करते हैं व्लॉग स्टार्ट. हेलो गाइस, ये देखिए व्लॉग ना दिखा, स्टार्ट है व्लॉग. सो रही थी और
अब जल्दबाजी देखो कितनी फुर्ती दिखा रही है, फटाफट फटाफट फटाफट, है ना? जा कर रही हूँ वो तो बता दो। हाँ क्लास जा रही है, क्लास अपने। हाँ जी 7 बजे चली जाती है संस्कृति घर, है ना? वैसे हम सो रहे थे तो उठने की हिम्मत हुई नहीं। मासी क्या बोल रही, मासी में फोकस किया जाए। मैं बोल रही 7 बजे तूने लाइट चेंज दिलाई मैंने कहा। अभी तो सुत कैसे मैं तो अब कथा अब खत्म हुई आज तो उनकी। अच्छा अब कथा ही सुन रहे थे और फिर वो गुम हो गया मेरे से वो ले फिर मुश्किल से ढूंढा भाई मुश्किल से ढूंढा मादरे पे मिल गया नहीं तो मिली पति चल रहा था कहां करूं। हां अच्छा जी देखो अब जल्दबाजी में काजल कहीं कहीं लगाएगी। ये काजल जो लिया है ऐसे टूट टूट के गिर रहा है जो बम में गिरा नहीं गिर रहा ये कहीं कहीं लगाएगी। होठों पे भी लगा ले इसको भाई जल्दी जल्दी पहुंचना है क्योंकि 7:50 पे बस होती है इसकी। क्या नाम देखते हैं मिलती है नहीं मिलती उससे देखते हैं। क्यों सर बाकी बच्चे तो चले गए जस्ट में संस्कृति हैरानगी में है संस्कृति क्योंकि संस्कृति को मैंने बोल के रखा हुआ परसों आ रही हूँ मैंने बताया नहीं मैं आ गई हुई तो फटाफट निकल रही हूँ मैं। आई होप की बस को पकड़ पाऊंगा इस चीजें बने रहे ब्लॉग में और तुम दोनों आ जाओ ऊपर आपको वही मिलते हैं। पहुंच गई हूँ क्लास गाइस आवाज़ आ रही है अंदर से म्यूजिक की या धुंध हो रही है इसका ना देखती हूँ संस्कृति है कि नहीं। फाइनली संस्कृति से मिलना हो गया ये 2 मिनट में घर से यहाँ पहुंची हूँ तो जी गाइस संस्कृति जा चुकी है हाँ और हम ये सभा करते हुए कोई नहीं मेरी स्कूटी में पड़ी हुई की चाबी तो अंकल आंटी से बाहर है मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले कहते मैम 19 में हम जा रहे हैं एक दिन के लिए शाम को आ जाएंगे कह रहे थे आज ही आ गए होंगे और ये दुर्गा जी मेरा पीछा करके यहाँ पहुँचते ये लाइटिंग कर दी ऊपर क्या अंकल लाइटिंग करी हुई है मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया इस बाहर का हाल ना ऐसा हो रखा है बताओ है ना। अब हमने कहीं जाना था अब सोच रहे हैं जाएं ना जाएं और टांगों के मेरे बन गया हुआ है बर्फ मतलब ठंडी हो गई है बहुत। उंगे से लाइट जला दो चल, उठ जा मरियल कहीं की चलो खाना खाओ तो वैसे घर पहुंच चुके हैं। कमी जवाई है तो पानी किसकी रोटी नॉली करा देगा चलो इतनी बड़ी ठंडी हो जाएगी फिर तो घर आ गए होंगे गाइस ज्यादा नाक बहनी शुरू हो गई है मेरे कान बान सब बंद हो रखे हैं और उंगलियां सुन हो रखी है भाई साहब बोलना नहीं मुझे कुछ और बहुत ठंड है टाट सारा काम हम ही करते हैं तेरा। तो गाइस डिनर हो रहा है अब डिनर में दिन वाली दाल पड़ी है अपनी थोड़ी और बनी है शलजम की सब्जी और करते हैं डिनर और बने रहे आप ग्लोब में मींस ब्लॉग में लेट्स ईट कीजिए ले ले अचार ओके तो ठीक है गाइस आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं कल मिलते हैं वापस आपको नए ब्लॉग में तब तक के लिए आप हमारे ब्लॉग्स देखते रहें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाय गुड नाइट वी लव यू टेक केयर।